तैयार हो जा, इस बार ऐसे लड़ेंगे कि इतिहास याद रखे। इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा की थी, जो 18 तारीख को होना निश्चित है। इस आंदोलन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी बातें हैं जो चंद्रशेखर आजाद ने कही हैं। उन बातों को सुनिए और गौर फरमाइए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ये वीडियो देखिए। मैं इस बार भी जा रहा हूँ 18 तारीख में, हो सकता है मुझे रोक दे, हो सकता है कि वो मुझे जेल भेज दे जयपुर की तरह, जब मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए मैं नहीं चढ़ता उनकी जेल से। लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इस बार मेरी लाश तो वापस आ जाएगी, लेकिन मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिले। मैं फिर उनसे अपील करूंगा पूरे राजस्थान के साथियों से कि 18 तारीख को वो जरूर पहुंचे उस परिवार के पास। लेकिन मैं तानाशाह मुख्यमंत्री को भी बता देना चाहता हूं कि सत्ता परमानेंट के लिए नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती। मैंने कल भी कहा था ये लाठी आपने उसके परिवार पर नहीं चलाई, क्योंकि वो तो दुखी पीड़ित परिवार है। ये लाठी आपने उस परिवार पर नहीं चलाई, ये आपने इंद्र कुमार के पिताजी पे नहीं चलाई, उसकी माँ, उसकी बुआ पे, उसके ताऊ पे नहीं चलाई, उसके भाई पे नहीं चलाई। ये लाठी आपने पूरे दलित समाज की पीठ पे चलाई और इसका हिसाब जो है समय आने पे जरूर दिया जाएगा। सत्ता बदलेगी, ऐसी निकम्मी नालायक सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री भी सत्ता से बेदखल होंगे। हमें भी इस अन्याय और जो समान अवसर के सिद्धांत को के खिलाफ है, हमें भी उससे आजादी चाहिए और हमें ये जो जुर्म जाती है अत्याचार, उनसे भी आजादी चाहिए। मगर ये मांगने से नहीं मिलेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। देखा इस वीडियो को, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरी लाश वापस आ सकती है लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि वहां की पुलिस और प्रशासन बेहद तैनात हो चुकी है इन जैसे नेताओं को रोकने के लिए और वापस भेजने के लिए। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही चेतावनी दे दी कि मैं अगर वहां जाता हूं और वहां की प्रशासन मुझे रोकने की कोशिश करेगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा, भले मेरी लाश वापस आ जाए। ये बहुत बड़ी बात चंद्रशेखर आजाद ने कही है। जब अभी मेरी मोतीलाल से बात हुई, उसने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मुझे पीटा, लेकिन जब वो मुझे पीट रहे थे तो मुझे आपकी एक बात याद आई जो आपने मुझे 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी सब लोगों को, कि मुझे ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो लाठी के आगे भागे ना, उसका टटकर सामना करे। फिर मैं भागा नहीं वहां से, उन्होंने मुझे खूब पीटा। उसके बाद गाड़ी में ले जाकर उन्होंने मुझे पीटा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी पलके उखाड़ने की कोशिश की, उन्होंने मेरी मूछें उखाड़ने की कोशिश की। अगर मैं इस बात पे मैं उनके साथ झगड़ा तो उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला किया, उन्होंने मेरे बाल खींचे, उन्होंने लाठी मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारी, उन्होंने मुझे गालियां दी। तो देखा आपने इस वीडियो को, चंद्रशेखर आजाद मोतीलाल की बात कर रहे हैं। मोतीलाल एक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जिसे वहां की पुलिस प्रशासन ने बेहद मारा और बहुत गंभीर तरीके से मारा, जिसे उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना भी पड़ा। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने और पुलिस ने इंद्र कुमार, इंद्र मेघवाल की बुआ को भी मारा। बुआ को मारने का नतीजा ये हुआ कि बुआ की नाक टूट गई। उसी के साथ इंद्र मेघवाल के पिता को भी पीटा गया, साथ ही साथ उनके परिजनों को, उनके घर वालों को भी पीटा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ की पुलिस प्रशासन से, जितना पुलिस प्रशासन इन परिवार वालों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, और जितना इसके खिलाफ अपना एक बल लगा रही है, उतना ही अगर पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में अपना ताकत लगाती, अपना बल लगाती, तो शायद ऐसी घटनाएं होना बेहद कम हो जाती और लोग और अपराधियों के अंदर ये खौफ हो जाता कि अगर मैं ऐसी घटना करूंगा तो पुलिस प्रशासन मुझे मारेगी और पुलिस प्रशासन मुझे सजा देगी। अब ये वीडियो देखिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद राहुल गांधी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये वीडियो सुन के आप समझिए। हमने हाथरस में देखा तो हमने ये भी देखा, कांग्रेस के सीनियर नेता वो लड़ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में कि नहीं ये अन्याय हुआ है, लेकिन जब वहां आपकी सरकार अन्याय करती है, जब वही जाति आपकी सरकार करती है, तब आपका दलित प्रेम कहां चला जाता है? तब क्यों आप अपने मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगते, क्यों नहीं पूछते? एक और साथी, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें जानवरों की तरह पीटा। ये है न्याय के लिए आवाज उठाने का परिणाम और ये है सेकुलर कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान की। देखा आपने ये वीडियो, चंद्रशेखर आजाद राहुल गांधी को ये कह रहे हैं
कि जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में घटना हुई थी, मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हुआ था, तब राहुल गांधी आके कह रहे थे कि हमें बहन को न्याय दिलाना है और पुलिस प्रशासन इन पर ज्यादती कर रही है, घर वालों से बिना पूछे मनीषा वाल्मीकि की लाश जला दी। तो चंद्रशेखर आजाद का ये पूछना है कि कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तब राहुल गांधी क्यों शांत है? क्यों राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री से जो कांग्रेस का है अशोक गहलोत, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी को अशोक गहलोत से पूछना चाहिए और राहुल गांधी को इंद्र कुमार के साथ खड़ा होना चाहिए और इंद्र कुमार को न्याय दिलाने के साथ न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। खैर स्टॉप कर दिए क्या प्ले। खैर, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी खबरों को आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं, तो आप मुझे आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। आर्थिक सहायता के लिए मैंने UPI ID और Google Pay नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमें आर्थिक सहायता जरूर करें। मैं अर्णव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।